सरकार ने दीपावली के पहले प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को बीते 3 माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। प्रदेश भर के लगभग 45,000 कर्मचारियों को दीपावली के बाद वेतन मिलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दीपावली का त्योहार निकल जाने के बाद भी कर्मचारियों को अब तक वेतन जारी नहीं किया गया है। अपनी पीड़ा को जाहिर करने और जिम्मेदारों की आंखें खोलने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों ने शनिवार को इंदौर में अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने पोलो ग्राउंड स्थित पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय के गेट पर अधिकारियों और आने जाने वालों से भीख मांग कर यह जताने का प्रयास किया है कि वेतन के अभाव में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, इस वजह से उन्हें कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कंपनी की मनमानी और कर्मचारियों के प्रति बेरुखी की वजह से प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। अकेले इंदौर शहर में ही लगभग 2200 कर्मचारियों को बीते 3 माह से अधिक समय से सैलरी नहीं मिली है। अभी दीपावली माह के पूर्व माननीय राज्यपाल जी ने आदेश निकाला था कि समस्त कर्मचारियों की सैलरी 2425 को देना निर्धारित करें। उनके आदेश के बावजूद भी आज दिनांक तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं आई है। जो आउटसोर्स कर्मचारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान है, उसका शोषण इस कदर बढ़ गया है कि आज उनको रोड पर उतर कर भीख मांगना पड़ रही है। ए टू जेड कंपनी जो एक नगर निगम से ब्लैकलिस्टेड होकर निकली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन को उसमें ऐसा क्या लगा है, उनकी मिली भगत हो सकती है जिसके कारण वापस इनको ऐसे विद्युत विभाग में ठेका दिया गया जहां पर जोखिमपूर्ण कार्य होता है। मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन के तो सैलरी से तो समस्त प्रदेश के 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी ही परेशान है, लेकिन वर्तमान में अभी इंदौर में करीब करीब 2200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। पोलो ग्राउंड के अंतर्गत जितने भी कार्यालय आते हैं उनमें पहले तो हम भीख मांगेंगे हमारे गरीब कर्मचारियों के लिए, जो कि 1.5-2 माह हो गए अभी तक सैलरी नहीं डली है। उसके बाद माननीय MD साहब से हम मुलाकात करेंगे। शिव राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन।